गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो तो बेसिकली आज आपकी लॉ की क्लास है एंड दिस इज लाइक फर्स्ट क्लास फॉर यू पीपल। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सीए फाउंडेशन की क्लास में मैं एक बात डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ कि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आपने अपने दिमाग में सो कॉल्ड बड़े सारे मतलब मिथ्स बिठा रखे होते हैं। लॉ है, थ्योरी है, बोरिंग होगी, पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। एवरीथिंग एवरीथिंग इज ट्रू फॉर दोज पर्संस जो मुझसे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये सब बातें, थ्योरी है, रट्टा मारना पड़ेगा, मुश्किल है, समझ में नहीं आएगी, बोरिंग होगी, सब कुछ सच होता है। जो मुझसे नहीं पढ़ रहे उन सबके लिए सब सच है, लेकिन तुम लोगों के लिए जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए सारी 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 बातें अंधविश्वास है, झूठ है। तुम्हारे लिए थ्योरी नहीं होगा लॉ, तुम्हारे लिए बोरिंग नहीं होगा लॉ, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट एक बात और सुन लो, जितने ही बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं यहां पर बैठे हुए हैं, उन सबको लॉ से प्यार जाएगा। क्लास एंड होते होते तक आपको लॉ से प्यार करवा दूंगी। और ये बात भी ध्यान रखना, लॉ क्लास में ही जितना पढ़ोगे उतना पढ़ लेना, घर जाके लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की भी गारंटी है। तो पहली बात, आपको लॉ घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर 90 से ज्यादा मतलब 90 से ज्यादा मार्क्स लाने की इच्छा हो तो मेरी क्लास में बैठना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है क्लास लेने की। 90% से ज्यादा मार्क्स लॉ में लाना हो तभी क्लास अटेंड करना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। दो नियम सिर्फ, घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लॉ, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा, 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ दोनों बातों के लिए, शर्त केवल एक है, क्लास जरा सी भी मिस नहीं करनी है, एक भी दिन की, एक भी सेकंड की क्लास छोड़नी नहीं है। अगर तुम ये गारंटी मुझे देते हो कि तुम क्लास नहीं छोड़ोगे तो ये गारंटी मुझसे ले लो कि तुम्हारे 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे लॉ में, और वो भी बिना पढ़े, घर पर बिना पढ़े। सिर्फ यहां पर जितना पढ़ गए मेरे साथ पढ़ गए, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर दोबारा बोलती हूँ, शर्त वही है, क्लास नहीं छोड़ोगे एक भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लॉ। तो हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, इंडियन तुम्हारा जो सबसे पहला वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। हाँ ओके फाइन, एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पहले अग्रीमेंट का मतलब बताओ तुम मुझको, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। ओके फाइन, हाँ आयुष ओके, अग्रीमेंट का मतलब कुछ राइटिंग में कुछ सॉर्ट ऑफ लीगल चीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट, है ना। हाँ, दो लोग आते हैं कोट पहन के, हाथ मिलाते हैं, अग्रीमेंट हो जाता है, कुछ साइन वाइन करते हैं सब लोग, एंड ऑल सब अग्रीमेंट कहते हैं उसको। ऐसा ही सब कुछ दिमाग में है ना, क्या करें यार, ये तुम लोगों की गलती ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, ये हमारी बॉलीवुड की गलती है, उन्होंने इतना फैंटेसाइज कर दिया अग्रीमेंट को कि अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। हम तो ऐसी मूवीज देखकर बड़े हुए जिनमें अग्रीमेंट ऐसी होता है मैडम, है ना। चलो अब देखते हैं अग्रीमेंट एक्चुअल में क्या होता है और अग्रीमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब होता क्या है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अग्रीमेंट का मतलब लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए मैं और आप अग्री कर गए, दैट इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने मान लो आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा और आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया,
तो वो क्या होगा? अग्रीमेंट। तो हम कहते हैं कि मैंने आपके सामने कोई ऑफर रखा, मान लो मैंने आपको बोला कि क्या आप ये पेन दिखाई दे रहा है सबको, तो ये पेन दूर तक वहां पर लास्ट सीट तक सबको दिखाई दे रहा है पेन, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये पेन मैं आपको बोलती हूँ कि क्या ये पेन आप 5,000 रुपए का खरीदोगे, मैंने आपके सामने ये पेन बेचने का प्रस्ताव रखा, तो मैंने ये पेन बेचने का प्रस्ताव रखा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर। और अगर मेरे ऑफर को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दी। और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब बदले में कुछ मिलना। तो हमने कहा कि मुझे मेरे पेन के बदले में क्या मिलेगा? 1,000 रुपए, और आपको आपके 1,000 रुपए के बदले में क्या मिलेगा? ये पेन। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? एग्जैक्टली, आपका 1,000 रुपया, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? बोलो बोलो। हाँ, ये पेन। तो हम कहते हैं कि अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया और उस चीज में कंसिडरेशन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अग्रीमेंट। तो आप लोगों ने कभी कोई अग्रीमेंट किया है? बिल्कुल किया है। आपने कभी कोई पेन खरीदा है? आपने कभी कोई शॉर्पनर खरीदा है? आपने पेंसिल खरीदी है? आप ऑटो से आए हो, बस से आए हो, रिक्शा से आए हो? ईच एंड एवरीथिंग इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कोई ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और कंसिडरेशन भी, हम लोगों को बदले में कुछ मिल रहा है, मुझे मेरी चीज के बदले में कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ भी मिलना। कंसिडरेशन हमेशा पैसों में नहीं मानेंगे, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी मिलना इज इक्वल टू कंसिडरेशन। तो हम यहाँ पर कहते हैं मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, और कंसिडरेशन भी है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट, है ना? तो समझ में आया कि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो हम यहां पर बात करते हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो अग्रीमेंट हो गया। अभी तक तो मैम हमने क्या क्या सोच के रखा था कि अग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो लोग होते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर साइन करते हैं, फिर राइटिंग में होता है, तब अग्रीमेंट बनता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्रीमेंट का मतलब सिंपली क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। आपने बचपन में कभी बलून वाले से बलून खरीदा था ना, वो भी अग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि आपने बलून वाले को ऑफर दिया, ऑफर देकर उस बलून वाले ने आपको क्या किया? एक्सेप्ट किया आपका ऑफर, और उसके बाद क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो। कंसिडरेशन भी था, आपने उसको 10 रुपए दिए और उसने आपको बलून दे दिया। तो हम यहां पर कहते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। तो हर वो चीज, आप अपनी मम्मी के लिए ग्रोसरी की दुकान से ग्रोसरी का सामान लेकर आते हो, दूध लेकर आते हो, चावल, चीनी, आपने शूज खरीदे, आपने बैग खरीदा, आपने बुक्स खरीदी, आपने कपड़े खरीदे, ईच एंड एवरीथिंग, हम चाहे कोई गुड्स खरीदें, चाहे कोई सर्विसेज खरीदें, वो भी अग्रीमेंट है। सब चीजें, मतलब बचपन से पता नहीं आपने कितने अग्रीमेंट किया, आप अगर चाहो तो उंगलियों पे गिन भी नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? तो अग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। वेरी गुड, सब लोग बोलेंगे एक साथ। एग्जैक्टली, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो हम यहां पर बात करते हैं कि अग्रीमेंट का मतलब, तो मैडम हमको समझ में आ गया अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। और आज तक न जाने हमने कितने सारे अग्रीमेंट करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं उसको अग्रीमेंट बोलते हैं। हम तो सोचते थे कि जो लिखित में होता है, जो राइटिंग में होता है, सिर्फ उसी को अग्रीमेंट बोलते हैं ना, उसको अग्रीमेंट उसको भी बोल सकते हैं, अग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि अग्रीमेंट का मतलब केवल और केवल इतना है कि आपको किसी ने प्रस्ताव, आपके सामने किसी ने प्रस्ताव रखा, मान लो मैं आपके सामने प्रस्ताव रखती हूँ, मैं आपके सामने ऑफर रखती हूँ कि आप मेरी क्लास में रोजाना आओगे, रोजाना आओगे, ठीक है, मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा, और बदले में मैं आपको क्या दूंगी? आप तो मेरी क्लास में रोजाना आओगे, इसका कंसिडरेशन क्या होगा? बदले में आपके 90% लाने का, आपके आपको 90% मार्क्स दिलाने का वादा मैं आपसे करती हूं। तो यहां पर कंसिडरेशन क्या हो गया? मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? आप रोज आओगे, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? आपके लिए कंसिडरेशन है मेरा प्रॉमिस कि मेरा वादा है कि आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे लॉ में।
दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. का मतलब क्या होता है? देखो, कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसों में नहीं निकालना. कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. बदले में कुछ भी मिलना, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन का मतलब है कुछ भी मतलब कुछ भी मिलना. इट मे बी मनी, इट मे बी समथिंग. मैंने बोला कि क्या तुम अपनी वॉच के बदले, ये पेन मैं तुमको बेचने का प्रस्ताव रखती हूँ तुम्हारी वॉच के बदले में. तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या हो गई मेरे लिए? तुम्हारी वॉच, और तुम्हारी वॉच के बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? पेन. तो तुम्हारे लिए पेन कंसिडरेशन हो गया, मेरे लिए तुम्हारी वॉच कंसिडरेशन हो गई. तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? अग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. अनगिनत अग्रीमेंट किए हैं आज तक की डेट में हमने. क्लियर? चलो तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता है, बट हमें अग्रीमेंट का मतलब पता चल गया है ना. तो चलो, तो अभी हम वापस बात करेंगे अग्रीमेंट के बारे में. अग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे. हाँ ठीक है, चलो. पेन का कलर बदलना पड़ता है ना भाई, तुम लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब तो हमें पता चल चुका है, लेकिन अग्रीमेंट दो तरह के होते हैं. कौन कौन से तरह के? या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, है ना. या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, मतलब क्या है इस चीज का? कुछ समझ में आता है तुमको इसको? तुमको इसको समझ में पड़ता है कुछ कि एनफोर्सेबल बाय लॉ और एनफोर्सेबल बाय लॉ ना होने का मतलब? एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल का मतलब क्या है बच्चों? जबरदस्ती पूरा करवाना, एनफोर्स करना मतलब जबरदस्ती, मतलब किसी को प्रेशराइज करना, एनफोर्स करना. लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जाना, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा एनफोर्स कराया जाना. अब बच्चों एक बात बताओ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा एनफोर्स कराना मतलब कैसे? लॉ के द्वारा आप किसी चीज को कैसे एनफोर्स कराओगे? सू करके. सू करने का मतलब क्या होता है? कोर्ट में केस फाइल करके. मान लो मैंने आपसे, आपको ऑफर दिया, क्या आप ये पेन 1000 रुपए का खरीदेंगे? मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैम हम आपका ये पेन 1000 रुपए का खरीदेंगे. अब मैं, कंसिडरेशन भी है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है. मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन भी है. इस पेन के लिए मुझे क्या मिल रहा है? 1000 रुपए. तो कंसिडरेशन मेरे लिए 1000 रुपए, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? ये पेन. आपके 1000 रुपए के बदले आपको ये पेन मिल रहा है. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इस हमारे भी और आपके बीच में क्या हो गया? जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया मेरा ऑफर, हमारे और आपके बीच में क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया. तो हम, मैंने आपको बोला कि आप, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन भी, अग्रीमेंट तो नो डाउट हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया. लेकिन अगर ये अग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है मतलब अगर इस अग्रीमेंट में मेरे पास राइट टू सू है, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपको सू करके जबरदस्ती, अगर कल की डेट में आप बोलो अरे नहीं मैम ये पेन 1000 रुपए का गलत है, हाँ मैं, हम आपको 1000 रुपए नहीं दे रहे. अगर मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपको 1000 रुपए मतलब मैं आपको सू कर सकती हूँ, और मैं कोर्ट में जाकर ये बोल सकती हूँ कि जज साहब देखो पहले तो इन लोगों ने हाँ बोल दिया 1000 रुपए का ये पेन खरीदेंगे, अभी मना कर रहे हैं. अगर मेरे पास इस अग्रीमेंट में ये अधिकार है कि मैं आपको सू कर सकती हूँ और लॉ के द्वारा आपके ऊपर एनफोर्स करा सकती हूँ ये अग्रीमेंट, लॉ के द्वारा आपको मजबूर कर सकती हूँ कि आपको मुझे 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे, आपने अगर एक बार हाँ बोल दिया आप स्टेप बैक नहीं कर सकते, आपने अगर एक बार हाँ बोल दिया, हमारे बीच में अगर ऐसा अग्रीमेंट हो गया, और अगर आप ना नहीं बोल सकते, और अगर आप ना बोलते हो तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपको सू करवाकर, मैं आपको सू करके कोर्ट से जबरदस्ती आपसे आपका प्रॉमिस पूरा करने पर आपको मजबूर कर सकती हूं, तब ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. और अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. वेरी गुड.
है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है भैया? कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है अलग से, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही है। बस ऐसे अग्रीमेंट है जिनमें हमारे पास सामने वाले को सू करने का अधिकार हो। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फटाफट बोलेंगे सारे के सारे लोग, फटाफट बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हर वो अग्रीमेंट जिसमें सू करने का अधिकार है, हर वो अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। वेरी गुड, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्जैक्टली। तो कॉन्ट्रैक्ट अलग से कुछ भी नहीं है। क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखने को आएगी तो लिख दोगे बेटा? क्या है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, सबको समझ में आ रहा है और ध्यान से सुन रहे हैं। चलो तो क्लास स्टार्ट, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। एनफोर्स, और फिर जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उनका क्या करें? जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उनका क्या करेंगे? उनको क्या बोलेंगे? उनको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, है ना? तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे मैडम हम वॉइड अग्रीमेंट। दैट्स इट, है ना? वॉइड अग्रीमेंट। तो हम कहते हैं कि हर वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, अगर उस अग्रीमेंट में हमारे पास सू करने का अधिकार नहीं है, तो उसको कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। ओके, तो हम कहते हैं सेक्शन 2 क्लॉज E। मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को कि सेक्शन किसको कहते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज E, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज E में अग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन दी हुई है? अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज E। अग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है ना? तो अभी अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखने को आएगी तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। सिंपल, खत्म। अग्रीमेंट का मतलब समझ में आया? अभी अगर सेक्शन 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन दी हुई है, तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखने को आएगी, जो कि आएगी आएगी हर हाल में आएगी, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखने को आएगी तो तुम लोग क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वाओ, कितना आसान है ना? तो अब हमको ये समझ में आ चुका है कि अग्रीमेंट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, या अग्रीमेंट, देखो दो ही बातें हो सकती है ना, या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी। मतलब या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ब्लैक कर देती हूँ, है ना? अच्छा ही लग रहा, ब्लू ब्लू। या तो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। या तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो इसको बोलेंगे वॉइड अग्रीमेंट, है ना? ठीक है, तो देखो अभी दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, सबके एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मैम कौन से एग्रीमेंट ऐसे होंगे, उनमें क्या बातें ऐसी होंगी जिनसे हम लोग ये बोलेंगे ना 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 ना, कौन से एग्रीमेंट ऐसे होंगे जिनसे हम ये बोलेंगे, कौन सी उनमें ऐसी बातें होंगी जिनसे हम ये बोलेंगे कि ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और कौन से अग्रीमेंट ऐसे होंगे जो, और कौन सी ऐसी मिसिंग होंगी उनमें बातें जिनकी वजह से बोलेंगे अच्छा यार ये अग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं अग्रीमेंट में क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए फटाफट से देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 10, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड
कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं. सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है. सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अग्रीमेंट ही है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए. अगर अग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा. अब वो देखेंगे वो अग्रीमेंट किस तरीके का होगा कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो. वो अग्रीमेंट किस तरीके का, उसमें ऐसी कौन सी बातें जरूरी हैं जिनकी वजह से उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है. तो देखो अग्रीमेंट, मैंने आपको बोला कि मैं आपको बोला कि मैं आपको ना ऑयल बेचूंगी, मैं आपको ऑयल बेचूंगी ठीक है. कितने रुपए का बेचूंगी, 500 रुपए का बेचूंगी. कितना लीटर बेचूंगी, 5 लीटर बेचूंगी. क्या आप खरीदोगे रोहित, क्या तुम खरीदोगे? रोहित ने बोला हाँ मैम मैं खरीदूंगा. तो देखो यार डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, है ना, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान तरीके से. तो रोहित ने बोला हाँ मैम मैं खरीदूंगा. मैंने रोहित को ऑफर दिया, क्या तुम मुझसे 500 रुपए का 5 लीटर ऑयल खरीदोगे? तो रोहित ने बोला हाँ मैम मैं आपसे ऑयल खरीद लूंगा. अब क्या ये अग्रीमेंट है, हाँ कि ना? हाँ ये अग्रीमेंट तो है, ये अग्रीमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये अग्रीमेंट है, क्योंकि ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है. लेकिन क्या इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए? क्या इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? बोलो फटाफट बोलो. मैम पता ही नहीं, अभी तक आपने बताया ही नहीं है. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. हाँ चलो, इसको हम अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां सर्टेनिटी नहीं है. मान लो कल की डेट में मैं मना कर देती हूं, मैं कहती हूं मैं ऑयल नहीं बेच रही हूं, क्या रोहित मुझे सू कर सकता है? अभी कोर्ट में अगर ये सू करने जाएगा, कोर्ट बोलेगा कौन सा ऑयल के बारे में बात कर रहे हो जी, कौन से ऑयल के बारे में बात कर रहे हो? ऑयल खरीदोगे और मैं एनफोर्स कराने को तैयार हूं, कौन से ऑयल के बारे में एनफोर्स कराऊं, क्या किस चीज को एनफोर्स कराऊं, कुछ सर्टेनिटी है कि नहीं है? बोलेगा ढोकले पागल हो गए क्या, हाँ किसी चीज, किस चीज के बारे में एनफोर्स कराने की बात कर रहे हो? किस चीज को एनफोर्स कराऊं बताओ ना, मैं तो एनफोर्स कराने के लिए तैयार हूं. किस चीज को एनफोर्स कराऊं, कौन से ऑयल के बारे में बात कर रहे हो? हमने कुछ निश्चित नहीं किया था. अग्रीमेंट तो है लेकिन इस अग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है. तो एक बात समझ में आई, अगर किसी अग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक नहीं है. तो पॉइंट नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट होना चाहिए. लेकिन कैसा अग्रीमेंट होना चाहिए? उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए. सर्टेनिटी किन 3 चीजों से आती है मैडम? 3 चीजों से आती है सर्टेनिटी. क्या क्या? प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन. ओके, प्राइस क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, 3 चीजों से हमारे अंदर आती है सर्टेनिटी. मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर प्राइस बताया, गुड इनफ. मैंने यहां पर क्वांटिटी भी बताई, मैंने प्राइस भी बताया, मैंने क्वांटिटी भी बताई, लेकिन ऑयल का डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया. भैया ग्राउंडनट भी ऑयल है, कोकोनट का भी ऑयल होता है, पेट्रोल को भी ऑयल ही कहते हैं, केरोसिन ऑयल को भी ऑयल ही कहते हैं, आलमंड ऑयल भी ऑयल ही होता है. अभी ऑयल बेचूंगी, ऑयल कौन सा ऑयल बेचूंगी बाबा, ये तो बताना पड़ेगा ना. तो हम कहते हैं कि सर्टेनिटी इज मस्ट, सर्टेनिटी मस्ट है. अगर किसी अग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सर्टेनिटी होनी चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग आने वाला है अब आपके सामने, तो देखते हैं तीसरी चीज क्या होती. तो पहला सर्टेनिटी. अभी अगर मान लो मैं तुमको बोलती हूँ, क्या बोलूं मैं तुमको, क्या तुम मेरा ये पेन, हाँ क्या तुम मेरा ये पेन 5 लाख रुपए का खरीदोगे? ये सवाल है मेरा तुमसे, जो भाई छोटे मेट्रो, नाम क्या बेटा तुम्हारा? ओके आंजने. तो ये मेरा सवाल है आंजने से. आंजने, क्या तुम मेरा ये पेन 5 लाख रुपए में खरीदोगे? तो अभी आंजने मना कर रहा है यार, कह रहा है कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा. मतलब
देख रहे हो सब लोग, इसका मतलब इसकी कंसेंट नहीं है, ये मेरे को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, इसकी कंसेंट इस पेन को खरीदने के लिए 5 लाख रुपए में नहीं है। मैं पागल हो गई, 5 लाख रुपए इस पेन के लिए, 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं खरीदूंगा मैं 5 लाख रुपए का ये पेन। ओके फाइन, वापस चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं, दोबारा से इस एग्जाम्पल को कोट करते हैं। अब की बार मैं एक बड़ा सा चाकू लेकर आती हूँ और इस बड़े से चाकू को अब मैं आंजने के गर्दन पे रखती हूँ और मैं बोलती हूँ आंजने, हाँ इमेजिन करना इस चीज को ढंग से तरीके से, मैं बोलती हूँ आंजने क्या अब तुम ये पेन 5 लाख रुपए का खरीदोगे। अब आंजने के पास कोई चॉइस ही नहीं है, बेचारा डर गया है, बोल रहे हैं हाँ मैम मैं खरीद लूंगा, देख रहे हो सब लोग, ठीक है अब क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैम मैं खरीद लूंगा। इसका मतलब ये सचमुच में क्या है मेरा पेन 5 लाख रुपए का खरीदना चाहता था? नहीं। और अभी तो बोल रहे ना, देखो सब लोग बोल, देख रहे हो ना, हाँ बोल रहे हैं डर के मारे, हाँ बोल रहे हैं एग्जैक्टली, यही वाली लाइन में सुनना चाहती थी कि ये डर के मारे हाँ बोल रहे हैं मैम, डर के मारे हाँ बोल रहे हैं, आपने गले पे चाकू रख दिया है तो गले पे चाकू रख दिया तो आप बोलेगा ही ना कि हाँ मैम मैं खरीद लूंगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का क्या मैम, जान प्यारी 10 लाख रुपए का ये बोलोगे तो भी खरीद लूंगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि मैंने आंजने को ऑफर दिया, आंजने ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेंस, क्या इसने जो अपनी कंसेंट दी है, क्या इसकी ये जो कंसेंट है, क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं, ये फ्री कंसेंट नहीं है, इसने अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं दी, इसने मुझे डर के अपनी इच्छा बताई है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये अग्रीमेंट तो है, मैंने आंजने को ऑफर दिया, आंजने ने एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन भी है, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट तो है? नो डाउट अबाउट दिस, अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ 3 चीजें हैं, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? है क्या? नहीं, ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हम सिर्फ उन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को बोलते हैं जहां पर ये एसेंशियल एलिमेंट पूरे होते हैं, और थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट। कंसेंट मस्ट बी फ्री, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। कंसेंट फ्री होने का मतलब है स्वतंत्र इच्छा। क्या यहाँ पर आंजने ने मुझे जो अपनी कंसेंट दी है वो क्या इसकी स्वतंत्र इच्छा है? क्या इसने खुशी से दी है? नहीं, खुशी से तो ये मना कर रहा था पहले, लेकिन जब इसके गले पर लगा चाकू तो इसने कहा हाँ हाँ मैम अब तो जो बोलोगे उतने का खरीदूंगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट का मतलब, फ्री कंसेंट को हम बोलते हैं कंसेंसस एड इदम, कंसेंसस एड आइदम। कंसेंसस एड आइदम का मतलब होता है ये लेटिन में, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिन में। लेटिन आप समझ लो संस्कृत जैसी है, जैसे हमारी हिंदी के लिए संस्कृत है उसी तरीके से इंग्लिश के लिए लेटिन है। तो लेटिन में इसको फ्री कंसेंट को हम क्या बोलते थे? कंसेंसस एड आइदम, लिख लो इसको, ठीक है, कंसेंसस एड आइदम। और कंसेंसस एड आइदम के बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग, ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। हम दोनों का दिमाग एक चीज पर एक जैसे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो ये मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। मैं तो इसको चक्कू लेकर, इसको डरा के, इसको जबरदस्ती हाँ बुलवा रही हूँ, इसका दिमाग मेरे दिमाग से मिल नहीं रहा है, ये सचमुच में ये पेन 5 लाख रुपए का नहीं खरीदना चाहता है, इसको तो जबरदस्ती मैं इसको हाँ बुलवा रही हूँ। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसकी कंसेंट फ्री नहीं है, समझ में आ गया। तो हम कहते हैं अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? जो सर्टेन हो, जहां पर सामने वाले ने अपनी फ्री कंसेंट से एक्सेप्टेंस दी हो, तो उसको हम कहते हैं फ्री कंसेंट होना जरूरी है, तभी उस अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो चलो आगे देखते हैं, हम कहते हैं फिर उसके बाद कंसिडरेशन, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अंजने को मैं बोलती हूँ, आंजने जब आज मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख रही हूँ, आंजने जब आज छुट्टी होगी ना क्लास के बाद, तुम रोहित की जम के पिटाई कर देना, जम के तरीके से, डंडे वंडे जो भी मिले तुमको उससे सबसे, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ऑफर रख रही हूँ और बदले में मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगी। देखो हाँ बोल रहे हैं, नलायक कितने हैं सारे के सारे, हाँ बोल रहे हैं, कह रहे हाँ मैम बिल्कुल मैम पिटाई कर दूंगा रोहित की।
मैंने ऑफर दिया खुशी 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 खुशी, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, देखो अब की बार तुम सब गवाह हो इस बात के, तो मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, खुशी खुशी आंजने ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैम मैं रोहित की पिटाई कर दूंगा, और मैंने क्या बोला, मैं बदले में तुमको 5,000 रुपए दूंगी। तो मैंने ऑफर दिया, आंजने ने एक्सेप्ट किया, और कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन क्या है, मैं 5,000 रुपए दूंगी, बदले में आंजने मुझे सर्विसेज देगा। कंसिडरेशन भी है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। क्या ये अग्रीमेंट है? हाँ मैडम ये अग्रीमेंट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, तीनों चीजें है। अग्रीमेंट तो नो डाउट है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, अग्रीमेंट तो है ही है, हाल में है। तो हम यहां पर कहते हैं कि क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक है? ध्यान से सोच के बताओ। नहीं मैम गलत काम के लिए कर रही हूं, नहीं नहीं एग्जैक्टली ऑफर है, सर्टेन भी है, कंसेंट भी फ्री है, लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। क्या बोलूंगी, अगर मान लो, ध्यान से सुनना इस बात को, मान लो अगर आंजने मुझसे 5,000 रुपए ले लेता है, और बदले बाद में क्या करता है कि नीचे उतरता है, आज क्लास के बाद नीचे उतरता है, और नीचे उतरते उतरते बोलता है रोहित को, अरे यार आज तो मजा आ गया भाई, तेरी वजह से मैंने 5,000 रुपए कमा लिए। दोनों गले में हाथ डालते हैं एक दूसरे के और बोलते हैं, अरे चल आज पार्टी करेंगे इन 5,000 रुपए से जो मैम ने मुझे दिए हैं। मैंने तो अपना कंसिडरेशन दे दिया, मतलब मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, आंजने ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। क्या मैं इस बात को एनफोर्स करा सकती हूँ लॉ में, कोर्ट में जाके? कोर्ट में जज क्या बोलेगा, भैया इनको तो हम बाद में देखेंगे, तुम पहले अंदर आ जाओ, है ना? आप इलीगल काम कराने के लिए अग्रीमेंट करती हो, पहले तो तुमको सजा मिलेगी। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि क्या कोर्ट इस बात को एनफोर्स कराएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कराएगा। तो हम यहां पर कहते हैं कि अग्रीमेंट में कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, तो हम यहां पर कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन शुड बी देयर। तो ये चार चीजें आज समझ में आई कि अग्रीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, अग्रीमेंट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी सर्टेन, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। फटाफट सारे के सारे लोग दोबारा बोलेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूं, दोबारा सुनो मेरी बात को ध्यान से, ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक हैं, ऐसे अग्रीमेंट अगर केपेबल लोगों द्वारा किए जाएं तो, अगर ऐसे अग्रीमेंट केपेबल लोगों द्वारा किए जाएं तो ऐसे अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक हैं। अब आगे देखते हैं फटाफट से, केपेबल लोगों द्वारा किए जाए मतलब अग्रीमेंट तो एक बच्चा भी करेगा तो उसको अग्रीमेंट ही बोलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर केपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या केपेबिलिटी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 5 है केपेबल पार्टीज। अगर अग्रीमेंट को केपेबल पार्टीज कर रही हैं तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है मैडम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। अग्रीमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है, कौन पार्टीज केपेबल है? अ पर्सन शुड बी मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली जो इंसान 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुका हो, मतलब 18 साल का हो गया हो, उसको हम कहते हैं मेजर। अभी देखो, अभी ना सीपीटी में एक क्वेश्चन आया करता था, बड़ा फेमस क्वेश्चन था, और बच्चे अक्सर गलती किया करते थे इसलिए, बट तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए तुमको बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टिल सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कई बार ना सीपीटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, तुम्हें भी आ सकता है, तुम्हारा पेपर होगा थियोरेटिकल, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही आए, कुछ एमसीक्यू भी डाल सकते हैं, जैसे 8-10 मार्क्स के एमसीक्यू भी डाल देंगे वो थियोरेटिकल पेपर में, तो तुम्हें ध्यान से सुनना, हो सकता है ये क्वेश्चन आए।
तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो मेजोरिटी की डेफिनेशन है कि कौन इंसान मेजर हो जाता है और कब वो मेजोरिटी को अटेन करता है, ये डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है। तो बच्चे इसका सोचते थे क्योंकि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा इंडियन मेजोरिटी एक्ट वाली डेफिनेशन को एज इट इज उठा लो। इंडियन मेजोरिटी एक्ट वाली डेफिनेशन को उठा लिया तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट वाली डेफिनेशन कहती है जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं वो लोग 18 साल, जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे, 18 साल या 18 साल से अबव, वो लोग मेजर होंगे, और जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, मान लो कोई कुछ अनलकी बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे और वो अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, दोनों मम्मी पापा, दोनों में से कोई नहीं रहा, तो वो किसके साथ रहते हैं, गार्जियंस के साथ रहते हैं, वो लोग मेजर होंगे 21 साल में, वो लोग 21 साल के जब हो जाएंगे तब उनको मेजर बोलेंगे। तुमने सीता गीता मूवी देखी है? देखी है? इतने सारे बच्चों ने नहीं देखी है? ओ माय गॉड, क्या करते हो यार तुम लोग, मूवी नहीं देखते हो, कैसे समझ में आएगा लॉ। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चल के मैं लॉ को मूवी से बड़ा रिलेट करने वाली हूँ। तो सीता गीता मूवी में उसके ना जो चाचा चाची होते हैं, जो सीता होती है उसकी चाचा चाची, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है, उसके मम्मी पापा नहीं रहे होते तो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। अभी उसमें दिखाया एक डायलॉग है, उसमें वो बोलते हैं अब सीता 21 साल की हो गई है, अब इसको मार देना चाहिए, 21 साल की हो गई है। देखो मतलब मूवी मेकर्स भी लॉ का कितना ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि जो बच्चे गार्जियंस के साथ रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है वो 21 साल में मेजर होते हैं, इसलिए वो 21 साल के होने के बाद उसको मारना चाहते हैं कि जिससे कि अब इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। याद रहेगा इंसान मेजर कब होता है, नॉर्मली नॉर्मल केस सिनेरियो में इन जनरल 18 साल जैसे ही अटेन करता है इंसान वो मेजर हो जाता है, लेकिन जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता क्योंकि उसके पेरेंट्स है ही नहीं, गार्जियंस के साथ रहता है, वो 21 साल में मेजर होता है। चलो आगे देखते हैं। अ पर्सन शुड बी मेजर फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट बी मेजर। ओके तो आगे चलते हैं। मेजर के बाद हम कहते हैं अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, जिसका माइंड एकदम साउंड तरीके से चल रहा हो, जो पागल ना हो, ऐसे ही समझते हो? बिल्कुल। तो तुम लोग साउंड माइंड हो? हाँ मैम हम साउंड माइंड है सारे के सारे। वाओ, अरे तुमको क्या लगता है मैं साउंड माइंड हूँ? अरे ये तो गलत बात है, अपने केस में तो तुम सब लोगों की मुंडिया फटाफट से हिल गई थी, मेरे केस में सोच रहे हो? आई मीन मैम अभी एक दो क्लासेस तो हुई हैं, हमें क्या पता आप साउंड माइंड हो या नहीं हो। हेलो, हाँ मैं भी साउंड माइंड हूँ, ठीक है। चलो तो देखो, साउंड माइंड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग रेशनल डिसीजंस। अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग रेशनल डिसीजंस, जो इंसान समझदारी भरे निर्णय लेने के लायक हो, वो सब क्या होते हैं, साउंड माइंड होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक ऐसा इंसान जो समझदारी भरे निर्णय लेने के लायक है वो साउंड माइंड है। तो हम कहते हैं केपेबल पार्टीज में पर्सन शुड बी मेजर एंड पर्सन शुड बी साउंड माइंड। ऐसा ही इंसान अगर अग्रीमेंट करेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। अब और एंड ही शुड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई ना कर रखा हो, मतलब लॉ ने ये ना कह रखा हो भैया देखो ऐसा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो करे लेकिन ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर लॉ ने ऐसा बोल रखा है किसी के बारे में तो वो इंसान कोई भी अग्रीमेंट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि कौन से अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि सर्टेन है, जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री है और कंसिडरेशन लॉफुल है। अगर ऐसे अग्रीमेंट मेजर, साउंड माइंड
और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जैसे इंसान के द्वारा किए जाएं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो बस इतना ही है? नहीं, इसके आगे भी है। अग्रीमेंट क्या नहीं होना चाहिए? अग्रीमेंट शुड बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अग्रीमेंट शुड बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको, आप मुझे 5,000 रुपए दो, बदले में मैं आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट चांद तोड़ के ले आऊंगी, क्या ये अग्रीमेंट? अग्रीमेंट तो है, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन भी है, तो अग्रीमेंट है कि नहीं? हाँ मैम, बिल्कुल अग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं, अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इस अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट इम्पॉसिबल है। तो अग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अग्रीमेंट शुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो चलो फटाफट से देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है? कहता है कि ऐसे अग्रीमेंट, अग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ, ऐसे अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। ऐसे अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। ऐसे अग्रीमेंट जो लॉ में, मैं तुमको आगे चल के पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी इसके बारे में, कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट है जिनको लॉ ने बोल रखा है भैया ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, चाहे इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे क्यों ना हो। तो अभी हम वापस से देखेंगे, क्या वापस से हम ये देखेंगे कि क्या कोई, अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे अग्रीमेंट है जहां पर हम ये बोलेंगे, एक सेकेंड ना, दो मिनट रुक जाओ। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा, कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और एग्जैक्टली कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और बोलो बोलो सारे बोलो फटाफट से। हाँ, कैसे लोगों द्वारा किए गए हो? पर्सन शुड बी मेजर, शुड बी साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अग्रीमेंट पॉसिबल होना चाहिए। वेरी गुड। तो आज हम लोग क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट, क्लास खत्म करेंगे यहाँ पर।